सो गाइस अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है कि राउल्ट्स लॉ कैसे एक स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का। तो राउल्ट्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, राउल्ट्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, और इसी को प्रोपोर्शनल के साइन हटा के आ जाता है पी नॉट ए, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एक्स ए। ठीक है, दूसरी चीज ये हम किसके लिए पढ़ते हैं, फॉर वॉलेटाइल लिक्विड्स, यानी कि सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट दोनों ही यहां पे लिक्विड है। ठीक है, सेकेंडली ये हमने अभी पढ़ा कि ये हम पढ़ते हैं फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, ये आइडियल सॉल्यूशंस पे वर्क करता है। ठीक है ना, तो अब हमें ये चीज करनी है कि ये एक स्पेशल केस कैसा है हेनरीज लॉ का, मतलब कि राउल्ट्स लॉ भी हेनरीज लॉ का एक पार्ट है। ठीक है, तो वो देखिए कैसे करते हैं। सो हेनरीज लॉ क्या कहता है, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ गैस इन लिक्विड फेज, और वेपर प्रेशर इक्वल्स टू के एच एक्स ए। इसने ये बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड फेज। ठीक है, और इसकी एक्सप्रेशन आते हैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है हेनरीज कांस्टेंट के एच, और ये जो हम पढ़ते हैं किसके लिए पढ़ते हैं, गैस इन लिक्विड, यानी कि सॉल्यूट यहां पे गैस है एंड सॉल्वेंट लिक्विड है, या हम बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड, क्योंकि लिक्विड्स वॉलेटाइल होते हैं, उनके मॉलिक्यूल वेपर फेज में भी चले जाते हैं। सो देखिए, सेकेंडली ये पढ़ा जाता है फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिए कि हेनरीज लॉ से हम राउल्ट्स लॉ कैसे बना देते हैं, कैसे हम प्रूव कर देते हैं। सबसे पहली चीज कि ये जो गैस है इसको हमने बोला सॉल्यूट, और यहां पे जो सॉल्यूट है वो लिक्विड है। अगर हम ये देखें वॉलेटिलिटी को ढंग से अगर हम समझें, तो वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि ऐसा सब्सटेंस जिसके मॉलिक्यूल वेपर फेज में भी ज्यादा प्रेजेंट है, और अगर हम बात करते हैं वॉलेटाइल लिक्विड की, वॉलेटाइल लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो हम उसे गैस बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए वॉलेटाइल लिक्विड का मीनिंग क्या है कि उसके ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर फेज में है, अगर वेपर फेज में उसके मॉलिक्यूल है तो वो नियर अबाउट गैस की तरह ही तो है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल वेपर फेज में। सिमिलरली यहाँ पे जो गैस होती है उसके मॉलिक्यूल्स लिक्विड में भी होते हैं, हेनरीज लॉ में हमने पढ़ा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड में भी हैं, यानी कि ये जो गैस है ये लिक्विड की तरह भी एक्ट करती है। तो यहां से ये चीज तो क्लियर होगी कि सॉल्यूट यहाँ पे हमने कोई डिफरेंट नहीं ले रखा एक में, अगर यहाँ पे वॉलेटाइल लिक्विड है और यहाँ पे गैस है तो नियर अबाउट सेम ही चीज है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज देखिए, अब जब हमने इसके कंपोनेंट्स को सेम कर लिया, अब हम कैसे प्रूफ करें कि राउल्ट्स लॉ इसका पार्ट है। सो देखिए, फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस अगर हम कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करें, जैसे अगर हमारा सॉल्यूशन काफी डाइल्यूट हो, अगर हमारा सॉल्यूशन काफी डाइल्यूट हो, यानी कि डायल्यूट का सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि उसमें सॉल्यूट का जो अमाउंट है बहुत कम हो। ठीक है, सेकेंडली अगर टेम्परेचर काफी हाई हो और प्रेशर कम हो, तो ये कंडीशन जब हम किसी नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे प्रोवाइड कर देते हैं, इस कंडीशन पे जो सॉल्यूशन है वो बिहेव करने लग जाता है एज आइडियल सॉल्यूशन। और यहां पे जब हम ये कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, इस कंडीशन पे जो हेनरीज लॉ का के एच है वो इक्वल हो जाता है पी नॉट ए के। और अगर हमने ये कंडीशन प्रोवाइड करी और के एच पी नॉट ए के इक्वल हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि हेनरीज लॉ का एक पार्ट है ये, क्योंकि हेनरीज लॉ में हमने कुछ कंडीशन प्रोवाइड करी, कुछ स्पेशल कंडीशंस दी, तो वो राउल्ट्स लॉ बन गया। तो इसलिए हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, कि राउल्ट्स लॉ जो है एक स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का। स्पेशल केस क्यों, क्योंकि स्पेशल कंडीशंस लगाई है हमने यहां पे। ठीक है ना, बट
यहां पे एक चीज हो रहा है, हम ये नहीं बोल सकते कि हेनरीज लॉ राउट्स लॉ का पार्ट है। क्यों? क्योंकि राउट्स लॉ में साफ साफ हम बोल रहे हैं ये आइडियल सॉल्यूशन पे वर्क करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे वर्क नहीं करता। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हेनरीज लॉ राउट्स लॉ का पार्ट है, बट ये चीज हम इजिली प्रूव कर सकते हैं कि राउट्स लॉ इज अ पार्ट ऑफ हेनरीज लॉ। सो गाइस अब देखिए।